अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको सिखाएंगे आलू के पराठे बनाना, वो भी उम्दा, लजीज और खस्ता। तो सबसे पहले आप लोगों ने आटा बना लेना है। आटा तो आप लोग बना ही सकते हैं। आटा बनाने का तरीका सेम ही है जैसे कि हर लोग बनाते हैं घरों में, लेकिन आपने आटा लेना है फाइन आटा, लाल आटा नहीं लेना, फाइन आटा आपने लेना है। उसको अच्छी तरह गूंद के आपने उसको सही मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसको आपने थोड़ी देर के लिए रख लेना है, पेड़े कर लेने हैं। फिर पेड़े करने के बाद आपने पेड़े को फिलिंग करनी है, उसमें ऑयल लगाना है। जैसे कि ये भी हम लोग ऑयल लगा रहे हैं इसमें पेड़े में, एक एक पेड़े में आपने ऑयल लगाना है। उसको अच्छी तरह फोल्ड करके पेड़ा रख देना है, ठीक है। तो जैसे ही इसको ऑयल लग जाएगा, फीलिंग इसकी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट के बाद आप वो रेडी होगा। उसको आपने पेड़ा उठा लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने जो मसाला आलू को बनाया होगा वो रख लेना है अच्छी तरीके से। प्याज टमाटर डाल के उसको फोल्ड करके आप हाथों से या बेलन की मदद से बना कर लें, और फिर उसको अच्छा सा फ्राई कर लें और आलू का पराठा तैयार हो जाएगा। ये आज की रेसिपी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब भी करें।